सोलन का श्रम विभाग एक माह से बिना लेबर इंस्पेक्टर के चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ समय पर शहरवासियों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। काफी कार्य अपूर्ण पड़े हैं। परमाणु के लेबर इंस्पेक्टर को सोलन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, लेकिन एक इंस्पेक्टर से परमाणु और सोलन का कार्य उतनी कुशलता से नहीं चल रहा है, जिसका खामियाजा सोलन की जनता और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में श्रम अधिकारी मुकेश जांगख्याना से पूछा तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही सोलन शहर को नया लेबर इंस्पेक्टर मिल जाएगा और सभी कार्य पहले की तरह सुचारू हो जाएंगे। सोलन में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हो रहा है, जिनका निरीक्षण कर उन पर सेस नहीं लग पा रहा है। यही कारण है कि सरकार को लाखों का घाटा उठाना पड़ रहा है। अधिक जानकारी देते हुए श्रम अधिकारी मुकेश जांगख्याना ने कहा कि सोलन श्रम कार्यालय में जुलाई माह के अंत में इंस्पेक्टर रिटायर्ड हो गए थे, तब से अभी तक ये पद खाली पड़ा है। उनके स्थान पर परमाणु के लेबर इंस्पेक्टर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उन पर अधिक दायित्व और दो औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि लेबर इंस्पेक्टर न होने के कारण दुकानों के लाइसेंस और उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायतें वे अपने स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन जो समय समय पर औचक निरीक्षण होना चाहिए वे इंस्पेक्टर के अभाव से नहीं हो पा रहा है, लेकिन वे उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर यहां इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी जाएगी। ये हमारे जो लेबर इंस्पेक्टर थे मिस्टर खैरबाब शर्मा जी, तो 31 जुलाई को उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद जब सीट खाली रहती है तो उसकी कमी तो रहती है, इतना नहीं हो पाता। फिर भी मैंने इस काम को करने के लिए जो लेबर ऑफिसर लेबर इंस्पेक्टर सर्कल सोलन है उसके लिए परमाणु लेबर इंस्पेक्टर को एडिशनल चार्ज दे रखा है। और जो कंप्लेंट्स होती है या कॉन्सलेशंस की जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो मैं खुद देखता हूँ, उस काम को मैं खुद कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लेबर इंस्पेक्टर ना होने से काम में बाधा होती है, प्रॉब्लम आती है। तो विभाग अभी इसी महीने यहाँ पे नए लेबर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग करने वाली है। कार्यालय स्तर की बात करें सर, किन किन समस्याओं से अभी कार्यालय जो है जूझ रहा है? जैसे आपने बताया कि परमाणु का जो एडिशनल चार्ज है वो सोलन में भी दिया गया है, तो जैसे कि देखा जाता है कि कार्यालय में एक ऑफिसर होना जरूरी है, तो उनके ना होने से क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारी जो समस्या आ रही है उनके ना होने से, सिर्फ ये शॉप लाइसेंस हमारे रिन्यूअल होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होती है शॉप एक्ट में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी जो कंप्लेंट्स वगैरह है वो तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, जो कंप्लेंट्स आती है वर्कर्स की, जो कंप्लेंट आती है। और बाकी जो है इस तरह, जिस तरह का इंस्पेक्शन एक इंस्पेक्टर जो करता है, जो लगातार रहता है, रेगुलर जो रहता है, तो उस स्तर पर वो नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री एरिए एक इंस्पेक्टर को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो इम्पोर्टेंट कार्य को जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर परमाणु हैं वो यहाँ पे आके देखते हैं। तो सर, कब तक अनुमान लगाया जा सकता है कि कब से नए यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी? नया लेबर इंस्पेक्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको 10 दिन में हमको लेबर इंस्पेक्टर मिल जाएगा और हमारा काम फिर से इस ऑफिस का सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा।